नमस्कार दोस्तों, इसके पिछले दो वीडियो हम लोगों ने लिस्ट बॉक्स के बारे में बहुत सारी चीजों को देखा। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तों, एक लिस्ट बॉक्स से दूसरे लिस्ट बॉक्स में डेटा को कैसे ऐड कर सकते हैं, सिंगल डेटा, मल्टीपल डेटा, सिलेक्टेड हुए डेटा को कैसे एक लिस्ट बॉक्स से दूसरे लिस्ट बॉक्स में कैसे आइटम को ऐड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। देख सकते हैं मैं विजुअल स्टूडियो में आ चुका हूँ। यहाँ पे दोस्तों हम लोग पहले से कुछ ट्यूटोरियल लिस्ट बॉक्स के बारे में देख चुके हैं, उसमें भी ये काम कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप लोग नया प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से दोस्तों आप लोग विंडोज फॉर्म वाला सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से दोस्तों मैं पिछले ट्यूटोरियल में कुछ बनाया विंडोज फॉर्म के ऊपर, तो वो भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, या दोस्तों आप लोग यहाँ से ये वाला सिलेक्ट कर सकते हैं, ये वाला। तो चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद भी प्रोजेक्ट का नाम देंगे, तो यहाँ पे दे देते हैं दोस्तों मूव लिस्ट बॉक्स आइटम्स, ये इस प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं और क्रिएट पे बटन पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट एकदम अच्छे तरीके से क्रिएट हो चुका है। चलिए दोस्तों फॉर्म को थोड़ा रिसाइज करते हैं, और यहाँ पे दोस्तों पहला जो काम करेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पे इसके कुछ प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं, फॉर्म का प्रॉपर्टी को। जैसे दोस्तों यहाँ पे हो गया है, जैसे दोस्तों यहाँ पे हम लोग इसके प्रॉपर्टीज को सिलेक्ट करेंगे, फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे और दोस्तों इसके कुछ प्रॉपर्टीज को सिलेक्ट कर देंगे। जैसे मैक्सिमाइज बॉक्स है तो इसको ट्रू है तो इसको हम लोग फॉल्स कर देंगे तो ये यहाँ से हट जाएगा। उसके बाद है दोस्तों मिनिमाइज बॉक्स, इसको ट्रू है तो यहाँ से फॉल्स कर देंगे तो ये दोनों हट जाएगा। कुछ इस तरीके से ये आप लोग यहाँ पे चेंजिंग कर सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखें स्टार्ट पोजीशन है तो यहाँ पे ये डिफॉल्ट है तो यहाँ पे हम लोग इसको सेंटर में कर देंगे तो ये बीच में रन होके आएगा। ये कुछ प्रॉपर्टी बेसिकली होता है जो कि हम लोग हर एक वीडियो में चेंज करते हैं। उसके बाद आते हैं दोस्तों हम लोग अपना मेन काम पे। सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे लिस्ट बॉक्स बनाते हैं। लिस्ट बॉक्स, ये पहला लिस्ट बॉक्स हो गया लिस्ट बॉक्स वन, इसको थोड़ा इतना बड़ा करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक दूसरा लिस्ट बॉक्स बनाते हैं, लिस्ट बॉक्स इस तरीके से, ये दूसरा लिस्ट बॉक्स हो गया लिस्ट बॉक्स वन और लिस्ट बॉक्स टू। तो यहाँ पे दोस्तों ये दोनों हो गया। चलिए लिस्ट बॉक्स वन के अंदर हम लोग कुछ डाटा ऐड कर देते हैं। जैसे इसके कुछ प्रॉपर्टी है जो कि हम लोगों को चेंज करना चाहिए। यहाँ पे कलेक्शन है तो पहले इसमें डाटा ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ मैं नाम एंटर कर देता हूँ सोनू। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो दोस्तों मैंने कुछ लोगों का नाम लिखा जो कि दोस्तों इस लिस्ट बॉक्स में आ जाएगा। तो यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे इसका नाम चेंज कर सकते हैं लिस्ट बॉक्स वन है तो इसको मैं यही रहने देता हूँ, और दूसरा जो लिस्ट बॉक्स है इसको मैं कुछ भी नहीं छर करूंगा। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला जो इसका प्रॉपर्टी है जो कि सिलेक्शन के करने के लिए आता है, तो यहाँ पे दोस्तों उसको हम लोग मल्टी सिंपल रखेंगे जो ताकि दोस्तों हम लोग मल्टीपल आइटम को सिलेक्ट कर पाए। यहाँ पे आप लोग देखेंगे जो सिलेक्शन मोड है दोस्तों इसको हम लोग यहाँ पे मल्टी सिंपल कर देंगे, या दोस्तों आप लोग ये भी कर सकते हैं। ये दोनों से कोई भी आप लोग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों हम लोगों का काम आता है क्या, पहले दोस्तों हम लोग एक बटन बनाएंगे जिसपे अगर दोस्तों यूजर क्लिक करता है तो जो भी आइटम यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ रहेगा वो इसमें आ जाएगा, और दूसरा एक बटन बनाएंगे अगर दोस्तों इस पर क्लिक करता है जितने भी मल्टीपल आइटम को सिलेक्ट करके ये इसमें आ जाएगा। तो ये दो चीज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग पहला बटन बनाते हैं, बटन यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग इसको जो बटन वन है तो इसको इसका नाम देख देंगे मूव सिंग, यहाँ पे आप लोग देखे तो इसका नाम दे दिया हमने मूव सिंगल बटन। तो यहाँ पे इसका नेम प्रॉपर्टी भी चेंज कर सकते हैं, टेस्ट प्रॉपर्टी भी चेंज कर देते हैं। यहाँ पे इसका टेक्स्ट प्रॉपर्टी भी दे देंगे मूव सिंगल आइटम्स, कुछ इस तरीके से यहां से हो गया। दोस्तों यहाँ पे अगर दोस्तों इसमें कोई सिलेक्ट करता है, इस पर कोई क्लिक करेगा तो इसमें इस लिस्ट बॉक्स में वो डाटा आ जाना चाहिए, एक बटन हो गया। तो चलिए दोस्तों हम लोग इस पे क्लिक इवेंट जनरेट कर लेते हैं, इसके इस पर डबल क्लिक करके इस तरीके से।
तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो दोस्तों इस मूव सिंगल बटन पे क्लिक इवेंट जनरेट हो गया। अब दोस्तों इसके अंदर जो हम लोगों को कोड करना है वो बहुत ही आसान है। यहाँ पे जो हम लोगों को लॉजिक लगाना है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देखेंगे लिस्ट बॉक्स 2 है, इसके अंदर डेटा को हम लोगों को ऐड करना है। जब दोस्तों इस बटन पे कोई क्लिक करे तो यहाँ पे सबसे पहला जो काम करेंगे लिस्ट बॉक्स टू। यहाँ पे दोस्तों आप लोग ध्यान देंगे लिस्ट बॉक्स 2 ये आया दोस्तों, इस लिस्ट बॉक्स का नाम है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज में इस लिस्ट बॉक्स का ये नाम है नेम प्रॉपर्टी में। अगर दोस्तों इसमें आप लोग चेंज किया है तो वो दोस्तों आप लोग यहाँ पे टाइप करेंगे लिस्ट बॉक्स 2 डॉट आइटम्स डॉट एड, ये हो गया दोस्तों। ऐड कहाँ से करना है तो ऐड दोस्तों हम लोगों को करना है लिस्ट बॉक्स वन से। तो लिस्ट बॉक्स वन डॉट क्या ऐड करना है, जो कि सेलेक्टेड आइटम्स रहेगा वो ऐड करना है। तो यहाँ पे सेलेक्टेड आइटम बस ये काम यहाँ से हो गया और इसको क्लोज कर देंगे। ये दोस्तों यहाँ पे हो गया। फिर दोस्तों हम लोगों को इसको रन करके आप ही देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो दोस्तों ये लिस्ट बॉक्स वन है। मान लीजिए हम दोस्तों मैं राहुल को इस लिस्ट बॉक्स में ला, इसको सेलेक्ट करूंगा और मूव करूंगा तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये आ गया। लेकिन दोस्तों अगर अभी आप लोग देखेंगे, फिर मैं पंकज पे क्लिक करता हूँ, इसको यहाँ पे करता हूँ तो ये भी यहाँ पे आ गया। अगर अभी आप लोग देखेंगे तो दोस्तों ये आ रहा है, लेकिन दोस्तों हम लोग क्या चाहते हैं यहाँ से ये हट जाना चाहिए, कॉपी नहीं कर रहे बेसिकली दोस्तों हम लोग मूव कर रहे हैं। तो मूव का मतलब ये होता है कि दोस्तों यहाँ से ये हट के इसमें आ जाना चाहिए, तो ये यहाँ से नहीं हट रहा इसमें रह जा रहा। और दूसरा दोस्तों अगर मैं किसी आइटम को सिलेक्ट नहीं करता हूँ तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो वो एरर आ जाएगा, जो कि मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ फिर से रन करके। यहाँ पे दोस्तों अगर मैं किसी आइटम को सिलेक्ट नहीं किया हूँ और मूव बटन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये एप्लीकेशन क्रैश हो गया और यहाँ पे एक एरर आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये एरर आ गया है। यहाँ पे आप लोग देखें ये एक एरर आ गया, जो कि दोस्तों इसको भी हम लोगों को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, यहाँ पे आप लोग देखें ये एरर आ गया तो कैसे करेंगे सॉल्व, इसको आप हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों पहले हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं कि ये दोस्तों अगर हम लोग इस पर कोई क्लिक करें ये आइटम यहाँ से हट जाना चाहिए। तो दोस्तों इसको हटाने के लिए हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे द लिस्ट बॉक्स वन, क्योंकि लिस्ट बॉक्स वन से हम लोगों को डाटा हटाना है। लिस्ट बॉक्स वन डॉट आइटम्स डॉट रिमूव डॉट लिस्ट बॉक्स वन डॉट सेलेक्टेड आइटम्स, मतलब दोस्तों जो यूजर ने सेलेक्ट किया वो आइटम रिमूव हो जाना चाहिए अगर दोस्तों को कोई इस बटन पे कोई क्लिक करता है। ये दोस्तों हमारा पहला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब दोस्तों हम लोग दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पिछले वीडियो में सॉल्व किए थे उसी को यहाँ से हम लोगों को करना है। यहाँ पे दोस्तों हम लोगों को एक इफ एल्स कंडीशन लगाना होगा जिसके मदद से दोस्तों हम लोग उस एरर को सॉल्व कर सकते हैं। इफ के अंदर दोस्तों हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे लिस्ट बॉक्स वन डॉक सेलेक्टेड इंडेक्स इक्वल माइनस वन। अगर दोस्तों सेलेक्टेड इंडेक्स माइनस जीरो से कम है, मतलब माइनस वन है, तो दोस्तों मतलब यूजर ने किसी भी आइटम को सिलेक्ट नहीं किया है। तो अगर यूजर ने किसी आइटम को सिलेक्ट नहीं किया है तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे एक मैसेज शो कर देंगे कि पहले आइटम को सिलेक्ट कीजिए उसके बाद इस बटन पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग सॉल्व मैसेज शो करते हैं मैसेज बॉक्स डॉट शो। यहाँ पे क्या मैसेज शो करना है, तो यहाँ पे हम लोगों को मैसेज शो करना है कि प्लीज सेलेक्ट एन आइटम्स। ये दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे मैसेज शो करना है। अगर दोस्तों किसी अगर वैल्यू माइनस वन से जीरो है, मतलब किसी यूजर ने ये किसी आइटम को सिलेक्ट किया है यहाँ पे, तो दोस्तों हम लोगों को ये कोड रन करना है जो कि ये है, जो कि हम लोगों ने पहले किया है। तो इसको हम लोग इसके अंदर रैप कर देंगे इस तरीके से। यहाँ पे आप लोग देखिए, अब दोस्तों हम लोग एप्लीकेशन को रन करते हैं। तो पहले मैं बिना सेलेक्ट किए ही क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे प्लीज सेलेक्ट एन आइटम एरर आ गया। अब दोस्तों मैं यहाँ पे एक सेलेक्ट करता हूँ, जैसे दोस्तों यहाँ पे राहुल को सिलेक्ट करता हूँ और मूव करता हूँ,
तो यहाँ से इसमें राहुल आ गया और यहाँ से ये हट गया, फिर से मैं क्लिक करता हूँ तो ये हट गया, फिर से यहाँ पे क्लिक करता हूँ ये हट गया, फिर से यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये हट रहा है। मतलब दोस्तों अगर मैं दो आइटम को यहाँ पे सिलेक्ट करके नहीं कर पा रहा हूँ तो इसको इस तरीके से दोस्तों हम लोग यहाँ पे प्रॉब्लम है, जो कि अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पे दो आइटम को सिलेक्ट करना चाहता हो और उसको मूव करना चाहता हो तो वो करने के लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे एक और बटन बनाएंगे। डिजाइन टैब में चलते हैं, यहाँ पे डिजाइन टैब में बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं इस तरीके से, इसके कुछ प्रॉपर्टी को चेंज करेंगे, जैसे टेस्ट प्रॉपर्टी है तो यहाँ पे आप लिख देंगे मूव मल्टीपल आइटम्स इस तरीके से। अब दोस्तों फिर से कुछ चेंज करते हैं यहाँ पे, जैसे इसका नाम हो गया आइटम्स, कुछ इस तरीके से इसके प्रॉपर्टी को हम लोगों ने चेंज किया। अब इस पर डबल क्लिक करते हैं, इसमें भी क्लिक इवेंट जनरेट हो गया। पहला जो काम करना है दोस्तों, ये काम तो हम लोगों को करना ही है कि अगर दोस्तों यूजर ने यहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया है तो दोस्तों ये काम तो होना ही है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे, कुछ इस तरीके से यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देगा। अगर दोस्तों यूजर ने बिना सेलेक्ट किए क्लिक कर रहा है तो ये एरर आ जाए। अब दोस्तों यहाँ पे एक एल्स कंडीशन आ गया, यहाँ पे एल्स कंडीशन के अंदर हम लोगों को एक लूप लगाना होगा जो कि दोस्तों यहाँ पे ये मल्टीपल सेलेक्टेड आइटम को यहाँ पे सेलेक्ट करेगा। तो कैसे लूप लगाएंगे ये देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम लोग व्हाइल लूप का यूज करेंगे, जो कि पिछले वीडियो हम लोगों ने किया था व्हाइल लूप। इसके अंदर दोस्तों लिस्ट बॉक्स टू, लिस्ट बॉक्स वन, सॉरी लिस्ट बॉक्स वन डॉट, यहाँ पे कंडेंसर रहेगा सिलेक्टेड आइटम्स। यहाँ पे दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पे आप लोग देखेंगे एक आइटम है ये वाला और एक आइटम्स है ये वाला। अगर दोस्तों इनमें से मल्टीपल सिलेक्टेड है तो सिलेक्टेड आइटम्स पे क्लिक करेंगे डॉट, और यहाँ पे दोस्तों आप लोग काउंट करेंगे नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल जीरो, मतलब ये दोस्तों जीरो के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे कंडेंसर ये रहेगा, अगर ये लूप ट्रू हो जाता है तो इसके अंदर का कोड यहाँ पे चलेगा। तो इसके अंदर जो दोस्तों हम लोगों को ये कोड हम लोगों ने किया था इसी को दोस्तों यहाँ पे हम लोग कॉपी पेस्ट कर देंगे रिमूव करने के लिए। यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं, ये हो गया। और यहाँ से दोस्तों कुछ चीज़ें हम लोगों को हटाना होगा, जैसे दोस्तों यहाँ पे आइटम्स है तो यहाँ पे एस लगाना है, और दूसरा चीज़ यहाँ पे एक इंडेक्स पास करना है जीरो, सेम चीज़ यहाँ पे भी करना है, यहाँ पे जीरो पास करेंगे और दोस्तों यहाँ पे एस लगाएंगे इस तरीके से। तो ये दोस्तों हमारा कोड एकदम अच्छी तरीके से हो गया है। तो चलिए दोस्तों हम लोग टेस्ट करते हैं। पहले तो ऐसे ही क्लिक कर देते हैं इस पे, तो यहाँ पे दोस्तों एक मैसेज आ गया। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम मल्टीपल आइटम को सिलेक्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे एक आइटम को सिलेक्ट किया ये आ गया। अब मल्टीपल को कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे आ गया। अगर दोस्तों यहाँ पे हम लोग मल्टीपल आइटम को सिलेक्ट करता हूँ और इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक ही आइटम आता है, जो कि दोस्तों पहले सेलेक्ट हुआ रहता वही आता है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे दो आइटम को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे आप लोग देखेंगे मैं दोनों आइटम को इस बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जो पहले वाला रहेगा वही आएगा। अगर दोस्तों इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो वो दोनों आ जाएगा। अगर दोस्तों आप लोग यहाँ से चाहते हैं कि इससे आना चाहिए तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग वो कंडेंसर लगा सकते हैं। यहाँ पे दो बटन और बनाइए और इसमें से इसमें आप लोग ला के रखिएगा। ये हमारा टास्क रहा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर दोस्तों आप लोग किसी तरीके के सी शार्प प्रोग्रामिंग से .NET फ्रेमवर्क के ऊपर विजुअल स्टूडियो के अंदर विंडोज सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।